हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमने अक्सर देखा है कुछ लोगों की हाथ की उंगलियां बहुत बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? जी आइए दर्शकों जिक्र करते हैं जिन लोगों की हाथ की उंगलियां काफ़ी लंबी होती हैं, ऐसे जातक किस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे ही आपके हाथ में भी उंगलियां होती हैं और आपके पैरों में भी उंगली होती हैं। अब आपको एक इत्तेफाक की बात बताएं, अमूमन हाथ में क्या होता है, अंगूठा छोटा होता है और उंगलियां अपने हिसाब से बड़ी बड़ी होती हैं। मिडल फिंगर सबकी बड़ी होती है, अमूमन सभी की बड़ी होती है। अब बात भी कहीं इसके हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। आप यदि पैर को ध्यान से देखें, पैर की बनावट को ध्यान से देखें, तो अक्सर पैर का अंगूठा बड़ा होता है और बाकी सभी उंगलियाँ या तो उसके बराबर होती हैं या छोटी छोटी होती चली जाती हैं। पैर का अंगूठा बड़ा, उसके बाजू वाली उंगली उसके समानांतर या थोड़ी छोटी या बड़ी, और उसके आजू बाजू की उंगलियाँ और थोड़ा छोटा रूप ले लेती हैं। लेकिन आपके हाथ में कुदरत ने पांचों उंगलियाँ बनाई, अलग अलग हैं, लेकिन अंगूठे की आकृति छोटी बनाई है। आप देखिए, वैसे तो हाथ की उंगलियों का एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्या आपके हाथ में कौन सी उंगली सबसे ज़्यादा बड़ी है, उसका क्या तात्पर्य है? आज हम सब्जेक्ट ये नहीं कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी हथेली में अगर उंगलियां लंबी हैं, चाहे आपकी इंडेक्स फिंगर है, चाहे आपकी मिडल फिंगर है, चाहे आपकी रिंग फिंगर है या आपकी लिटिल फिंगर है, अगर आपकी चारों उंगलियां अच्छी लंबी हमें दिखती हैं। आप देखते नहीं, कुछ लोगों की उंगलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, कुछ लोगों की उंगलियां सम होती हैं, ठीक ठाक होती हैं, और कुछ लोगों की उंगलियां अच्छी लंबी दिखती हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? जिन लोगों की उंगलियां अच्छी लंबी होती हैं, बहुत लंबी नहीं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तो हर चीज़ बुरी होती है, लेकिन लंबी उंगलियां कह सकते हैं, जिसको हम कहने में आता भाई आपकी उंगलियां लंबी हैं, वो वाली बात हम कर रहे हैं। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं तो ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई आर्ट, कोई कला, वैसे तो संसार के सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई कला छिपी होती है, लेकिन किसी न किसी आर्ट के क्षेत्र में, किसी न किसी कला के क्षेत्र में वो व्यक्ति अपने जीवन के संग जिएगा। कुछ भी हो सकता है, आर्ट के तरह तरह के आपके रूप हो सकते हैं, आप रंगमंच के कलाकार हो सकते हैं, आप अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, आप अच्छे गीतकार हो सकते हैं, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, आपकी उंगलियाँ अगर कुदरत ने लंबी दी हैं और आगे से थोड़ी सी वो नोकीली हो, निश्चित जानिएगा बहुत अच्छी कला आपके अंदर छिपी है। आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, ये कहेंगे साहब हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, हमारी तो उंगलियाँ भी लंबी हैं और आगे से जैसे आप कह रहे हैं थोड़ी सी नोकीली भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं साहब, आप अपने आप को भूल रहे हैं, आप अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, ये वास्तविकता, आपके अंदर कुछ अलग है, आप लोगों से हटके हैं, आप लोगों से परे हैं, आपके अंदर कुछ है। वो बात अलग है कि आप आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छिपी होती है, हर लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर अग्नि छिपी होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो देखो, कुल मिलाकर के संक्षिप्त में इतना ही कह सकता हूँ कि जिन लोगों की हाथ की उंगलियाँ लंबी हों, एक्सेस नहीं लेकिन लंबी हों, आम व्यक्ति के हाथ से आपके घर में यदि 5 मेंबर हैं और आपके घर में किसी एक मेंबर की उंगलियाँ अच्छी लंबी और गठीली और नोकीली हैं, तो कहीं ना कहीं किसी अच्छी कला का विकास आज नहीं तो कल उस व्यक्ति में होगा, या वो व्यक्ति बहुत अच्छे सलीके से रहने वाला, बहुत अच्छे सलीके से ज़िंदगी को जीने वाला, ऐसे कुछ सिद्धांत उसके अंदर बचपन से ही होते हैं। कई बार हमने देखा है ऐसे व्यक्ति कई बार शर्मीले टाइप के भी होते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा, मतलब डेप्थ थिंकर हम कह सकते हैं, गहराई में सोचने वाले, और कई बार ऐसे लोग बाल की खाल निकालने वाले, मतलब
बहुत कई बार उस चीज़ को वो नापेंगे तोलेंगे, बताएंगे किसी से नहीं, लेकिन उनके मन ही मन में इस प्रकार का अध्ययन चलता रहता है। तो यदि आपके हाथ की उंगलियां लंबी हैं तो निश्चित जानिएगा आप कहीं ना कहीं संसार को बहुत कुछ दे सकती हैं। आपके अंदर कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, बस अपने आपको टटोलने की आवश्यकता है। जी सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट भी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।